एवरीवन, तो आज का वीडियो पार्ट टू होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और हाँ, आज की वीडियो के एंड में मैं आप सभी से एक सीख साझा करना चाहूँगी जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रीस्ट्रक्चरिंग की, जहाँ हमने दो स्टेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेज थ्री, मिडिल स्कूल, जहाँ एज ग्रुप होगा 11 टू 14 ईयर्स। अगर ग्रेड के टर्म्स में बात की जाए तो ग्रेड 6, 7 एंड 8। ये स्टेज सबसे ज़्यादा इसेंशियल है इस बार, क्योंकि इस बार मैथ, साइंस, एसएसटी के साथ साथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, इवन कोडिंग भी। वोकेशनल सब्जेक्ट का इंक्लूजन मेनली इसलिए है कि बच्चा टेक्निकल नॉलेज भी सीख पाए, जिसकी वो आगे चल के इंटर्नशिप भी कर सके। दूसरा, कि कोई स्किल बच्चे को आता हो। इस स्टेज के एंड तक बच्चा दो चीज़ें डेफिनेटली सीख जाएगा। सबसे पहला, रिस्पेक्ट फॉर एवरी प्रोफेशन, और दूसरा, बच्चा खुद को एनालाइज कर पाएगा कि एक्चुअल में उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगली स्टेज है हाई स्कूल, यानी सेकेंडरी स्टेज। एज ग्रुप 14 टू 18 ईयर्स। ग्रेड के टर्म्स में बात करें तो ग्रेड 9, 10, 11 एंड 12। तो इस स्टेज में बात होगी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की, विद ग्रेटर डेप्थ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस। नाउ कम्स द मास्टर स्ट्रोक, द कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर, यानी आप डिफरेंट स्ट्रीम्स एक साथ पढ़ सकते हैं एज अ मेजर एंड माइनर। लेट अस से साइंस स्ट्रीम का बच्चा अब ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। इसका मतलब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल और मोमेंटम के साथ साथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की भी जानकारी रख सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, तो बोर्ड एग्जाम की इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले कम होगी अब, क्योंकि बच्चों के अंदर से जो बोर्ड्स का फोबिया है उसको निकालने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अब बच्चा दो बार बोर्ड एग्जाम दे पाएगा, एक मेन एग्जाम और दूसरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम। हो सकता है आगे चल के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी बोर्ड्स में इंक्लूड किया जाए। अगला बदलाव है सेमेस्टर सिस्टम एंड फ्रिक्वेंट असेसमेंट मॉड्यूल्स, यानी थर्ड टर्म के मार्क्स देखकर आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं तैयार होगा, बच्चे को पूरी साल ट्रैक किया जाएगा, उस बेसिस पर उसका रिजल्ट बनेगा। एजुकेशन सेक्टर कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर इस पर काम करना होता है। अगर अभी तक का एस्टिमेट देखें तो 4.43% ऑफ GDP स्पेंट हुआ है, आगे इसका टारगेट 6% रखा गया। इस पूरी पॉलिसी में टीचर की भूमिका सबसे अहम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है PTR, विच इज़ प्यूपल टीचर रेशियो, जो कि अब 30:1 होगा, यानी कि एक क्लास में 30 बच्चों पे आइडली एक टीचर होना चाहिए। दूसरा चेंज है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी CPD। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छे टीचर्स के काम को सराहा भी जाएगा, और इसी बेसिस पे उनका सैलरी हाइक्स और प्रमोशंस भी होगा। तो सबसे अच्छी बात जो आजकल के पेरेंट्स में देखने को मिलती है कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है इस टाइम, और अगर उनके शुरुआती सालों में उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो आगे की जंग तो बच्चा खुद ही लड़ लेगा। तो इस बार खेल कूद के भी नंबर मिलेंगे, यानी कि स्टेज पर वो चार बच्चे ही हर बार की तरह दिखाई नहीं देंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा। एजुकेशन के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें मल्टीपल एग्जिट्स होंगे, यानी कि अगर आप एक साल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दो साल कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा, तीन साल कर लेंगे तो बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, और अगर चार साल कर लेंगे तो बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च वर्क करने का मौका मिल जाएगा। मेजरली क्रिटिसिज्म लैंग्वेज पर है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चे के शुरुआती साल यानी कि टिल ग्रेड 5 बच्चे को मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। पर समझने की बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि बच्चा जिस भाषा में जल्दी सीखे उसे उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। बाकी हम सब जानते हैं कि बच्चे को इंग्लिश आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। बस यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, मॉडर्न या इंटेलिजेंट होने का सर्टिफिकेट नहीं।
तो सजेशंस देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने भी कुछ पॉइंट्स रखें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने का मौका मिले। तो सबसे पहला सजेशन ये होगा कि बच्चों के काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो। दूसरा, हैप्पीनेस क्लास इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में होती है, वो कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो बच्चे को कल्चरली रिलेवेंट पेडागॉजी से सिखाना चाहिए। लेट अस से कि मैगी हम सबको पता है कि आइडियली कैसे बननी चाहिए, लेकिन हर जगह मैगी अपने स्टाइल में बनाई जाती है। तो इस तरह से बच्चे को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एग्जांपल लेके समझाना चाहिए, ताकि वो जल्दी उस चीज़ को समझ सके। तो अगला सजेशन ये है कि तीन सब्जेक्ट्स जिन पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स एंड साइंस। सबसे पहला है संस्कृत, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा है मोरल एजुकेशन एंड जीके। ये दोनों ही सब्जेक्ट बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत एसेंशियल सब्जेक्ट। अब बात करते हैं टिप की, तो वो एडवाइस ये है कि विद्या एक ऐसा धन है जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, ना दोस्त, ना भाई, ना बहन, कोई भी नहीं। ऑन दिस नोट, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ नाउ। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।